मेहुल चौकसी से जुड़ा एक लेटेस्ट अपडेट हमें मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक डोमिनिका के विपक्ष के नेता लेनॉक्स लिंटन कल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट पे ही मौजूद थे। लिंटन की मौजूदगी को लेकर सवाल इन वजह से उठ रहा है क्योंकि लोकल मीडिया में इस तरह की खबरें छप रही हैं कि मेहुल चौकसी के भाई चेतन चौकसी ने लिंटन को मेहुल का मामला उठाने और मदद करने के लिए एक बड़ी रकम दी है। हालांकि लिंटन और मेहुल के वकील इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं, उन्हें बेबुनियाद बता चुके हैं, लेकिन कल लिंटन की मौजूदगी ने एक बार फिर से इन सवालों को हवा दे दी है कि आखिर लिंटन को इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों है। हमारे सहयोगी प्रणय इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, वही कुल मिलाकर जो बात सामने आ रही थी कि वो कह रहे हैं कि पता नहीं किस अखबार ने क्या एजेंडा के तहत ये खबरें छाप दी, लेकिन फिर कोर्ट पे क्यों मौजूद थे? देखिए, इस बारे में हमने लिंटन से सवाल किए हैं लेकिन लिंटन की तरफ से अभी फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है। ये मीडिया रिपोर्ट्स ही हैं अभी तक तो, जो स्थानीय मीडिया में प्रकाशित हुई हैं। पिछली बार इस तरीके की रिपोर्ट्स जब आई थी तो लिंटन ने उसे खारिज किया था। लेकिन इस मामले से अलग जो सबसे महत्वपूर्ण मामला भारत के लिहाज से, वो ये है कि फिलहाल डोमिनिका में जो कानूनी कवायद चल रही है उसका ऊंट किस करवट बैठता है, ये रुख क्या होता है, क्योंकि ये मामला अब कानूनी दांवपेच में उलझता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने कल की सुनवाई के दौरान मामले को लोअर कोर्ट के पास भेजा था, मेहुल चौकसी को तत्काल पेश होने के लिए कहा गया था और मेहुल चौकसी व्हीलचेयर पर लोअर कोर्ट जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उसके सामने पेश हुआ। उसने अपने आप को निर्दोष बताया इलीगल एंट्री के मामले में, लेकिन जो बेल अर्जी जमानत की अर्जी दाखिल की थी मेहुल चौकसी ने, उसे खारिज कर दिया है कोर्ट ने। यानी एक तरीके से इलीगल एंट्रेंट के आरोपों को बरकरार रखा है मजिस्ट्रेट कोर्ट ने और मामले की सुनवाई के लिए 14 जून की तारीख तय की गई है। अब इस पूरे मामले के अंदर 3 जून यानी आज की तारीख में एक सुनवाई होनी है, जो हिबियस कॉर्पस की एप्लीकेशन फाइल की गई थी मेहुल चौकसी के वकीलों द्वारा, उस मामले के अंदर भी सुनवाई होनी है। कोर्ट को यह तय करना है कि सरकार की तरफ से जो कहा गया है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है यदि भारत को सौंपा जाता है मेहुल चौकसी को, तो क्या अब उच्च अदालत जो हाईकोर्ट है क्या वो निचली अदालत के क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का इंतजार करती है या वो जो इन्वेस्टिगेशन सरकार की तरफ से एफिडेविट फाइल किया गया है उसे बरकरार रखती है, उसे अपहोल्ड करते हुए उसे पर्याप्त मानती है, इन तमाम चीजों के ऊपर तस्वीर साफ होगी। लेकिन फिलहाल ये है कि नजरें होंगी कि आज के लिहाज से अगर देखा जाए तो नजरें इस बात के ऊपर होंगी कि हाईकोर्ट किस तरीके का रुख अख्तियार करती है, इससे तय होगा कि मेहुल चौकसी मामले का नियति क्या होती है, आगे दशा और दिशा किस तरह से बढ़ेगी। लेकिन एक रोचक बात यह है कि जी शुक्रिया प्रणय, आपका तमाम अपडेट दर्शकों तक आपने पहुंचाया। डोमिनिका की निचली अदालत ने मेहुल चौकसी की जमानत अर्जी रद्द कर दी है लेकिन आज शाम हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या डोमिनिका में कानूनी दावपेच में फंस जाएगा मेहुल का मामला। चेहरे पर मास्क, हाफ पैंट और टी शर्ट पहने व्हील चेयर पर बैठा ये मेहुल चौकसी है। 2 दिन पहले शरीर पर चोट की तस्वीरों के बाद अब मेहुल चौकसी की ये ताज़ा तस्वीरें हैं जिसमें वो व्हील चेयर पर बैठा है। मेहुल चौकसी की ये सबसे ताज़ा तस्वीरें उस समय की है जब बुधवार को मेहुल सुनवाई के लिए अस्पताल से डोमिनिका की निचली अदालत पहुंचा। दरअसल मेहुल चौकसी के वकील का आरोप है कि मेहुल का अपहरण करके एंटीगुआ से डोमिनिका लाया गया है, जबकि डोमिनिका पुलिस अवैध एंट्री के आरोप में मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी दिखा रही है। डोमिनिका के नियम के मुताबिक गिरफ्तारी के 72 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, जो कि डोमिनिका की पुलिस ने नहीं किया। अपनी मर्जी से डोमिनिका नहीं गई है तो वो वहाँ पर सेक्शन 6 के हिसाब से डोमिनिका पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन एक्ट के हिसाब से वो प्रोहिबिटेड इमिग्रेंट नहीं है। करीब 14,000 करोड़ के PNB घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी को वापस एंटीगुआ भेजने या भारत प्रत्यर्पण को लेकर आज शाम डोमिनिका ईस्टर्न हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होनी है। मेहुल पर 2 कैरेबियन देश में मचे महाभारत के बीच मेहुल चौकसी की पत्नी ने ABP न्यूज से खास बातचीत में साफ किया कि मेहुल जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है लेकिन भारत जाकर नहीं। उन्होंने बोला है ही इज देयर फॉर इन्वेस्टिगेशन, कि आके यहाँ पे कर ले या वीडियो ले ले, ही इज विलिंग टू कोऑपरेट विद द एजेंसीज। डोमिनिका और एंटीगुआ दोनों सरकारों का मानना है कि मेहुल को भारत वापस भेजना चाहिए। हालांकि ये फैसला डोमिनिका की अदालत को करना है कि मेहुल चौकसी को भारत वापस भेजना है या एंटीगुआ। ABP News आपको रखे आगे।